Check out primefeed.in, your ultimate gateway for news, entertainment, tech, auto, and fashion. पाँच साल पहले लगी थी जब मेरा दिल इन पे आया था, लेकिन हाँ माशाल्लाह निकाह वाले दिन थी। बिखरता जा रहा है एक परी की तरह, एक एंजल, एक फरिश्ता। ये ऐसे में बड़ा मतलब ही टेक्स अवे द केक, सो आई कांट कंप्लेन। नहीं, जैसे मैंने सोचा था कि मेरी दुल्हन दीपिका ऐसी लगनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा उस दिन ये खूबसूरत लग रही है। वाह, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जी दो दिन मिल गए, ये कह सकते हैं दो दिन मिल गए। और बोलो, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डिसीशन कि हम वापस शोएब के गांव में जाके पूरा निकाह करेंगे, सारी रस्में करेंगे, वॉज द बेस्ट। उससे बेटर हम कुछ कर नहीं सकते थे, बिकॉज मुझे वहां पे जितना स्पेशल फील करवाया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑल द रिलेटिव्स एंड स्पेशली हिम and my entire family, Saba and Ammi, Papa, everybody, मतलब मुझे as a bride मुझे जितना special feel हुआ वहाँ पर, मुझे नहीं लगता मुझे वो life में कभी भी हो सकता है। and एक उसका negative भी है कि अभी मैं शोएब से खुल के झगड़ नहीं पाऊँगी, because he's actually made me feel very good, so I owe that to him for the rest of my life। ठीक है ना, शुरुआत में तो करना ही पड़ता है, बाद में तो घर की मुर्गी दाल बराबर होगी। तारीफ कर रही हूँ कम से कम, अभी तो मुझे सपोर्ट करो। देखो मेरी आवाज़ भी फट गई, पहले ही फटी हुई थी। देखिए मैं आप सबके लिए दीपिका हूँ, मैं आप सबके लिए दीपिका रहूँगी। नहीं शोएब यार, नाम में क्या रखा है? ओके, उसके पीछे जो पूरी स्टोरी है गाइस, दैट इज समथिंग वेरी पर्सनल। वो मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे इन लॉज को पता है, मेरी इस गुड़िया को पता है, एंड वो बहुत पर्सनल है, तो मैं उस स्पेस में और किसी को एंटर करवाना नहीं चाहती, सो प्लीज बेयर विद मी। आई थिंक वो शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी हमारी पूरी वेडिंग की, बिकॉज हम जब ट्रैवल कर रहे थे, जब हम बाय रोड जा रहे थे कानपुर से मौदा, तो वो सारे खेत हमने देखे एंड हम दोनों के दिमाग में आया था कि हम दोनों बहुत फिल्मी हैं, वो तो आप लोगों को हमारे डब स्मैशेस से पता ही होगा। और हम दोनों जेन्युइनली शाहरुख काजोल के बहुत बहुत बड़े फैन हैं, तो जब वो खेत दिखे ना, तो हमें सिर्फ DDLJ की याद आई, हमें और कुछ नहीं याद आया, इसलिए हमने बोला चलो मौका है तो ट्राई मार ही लेते हैं। जब जब मुझे कोई भी ऐसा मोमेंट दिखता ना जहाँ मैं शाहरुख को रिप्लिकेट कर सकता हूँ, मैं मौका नहीं छोड़ता। हाँ बिल्कुल, बाय द वे इनके वो टाइमिंग के चक्कर में मैंने 3 बार रिटेक किया। एक बार, तीन बार, चलो ठीक है, दो बढ़ाना अपनी तरफ से बनता है। उस दिन गुलाब जामुन खा के गई थी ना, थोड़ा सा बराबर करना था ना, तो इसलिए। नहीं, उसमें कोट भी था, आज सिमरना जी लें अपनी जिंदगी।
हाँ, कोर्ट भी था हाँ, लेकिन हमने वो गलत कर दिया शो, इसलिए उनको चिन्नी एक्सप्रेस लग गया। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। बहुत, जैसा कि मैंने कहा, मुझे हमारी पूरी वेडिंग, निकाह, सारी रस्मों में सबसे खूबसूरत बात यही लगी कि सब कुछ बहुत देसी वे में हुआ। तो इनफैक्ट जो हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारी पूरी फैमिली भी साथ में चली थी, उनका भी यही था कि ये शादी की मेमोरीज बहुत समय तक हमारे साथ रहेगी, बिकॉज हम लोग ठेठ गाँव में थे एंड हमने बहुत देसी तरीके से सारी हमारा मेन मकसद ही था शादी करने का मौदहा से, मेरे नेटिव प्लेस से। चाहते तो हम कहीं भी कर सकते थे, हम किसी भी, हम गोवा भी जा सकते थे, हम राजस्थान भी जा सकते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पे जो खुशी थी उस वक्त कि हम कहीं भी पहुंच गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, लेकिन अपने रूट्स को हम नहीं भूले हैं और ना ही कभी भूलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा मेन मकसद होता कि हमें वहीं जाकर शादी करनी है। और जब वहाँ पे मेरे 6 मामा नानी, और जब वो बोलते थे ना कि बेटा तुमने हमारा सीना चौड़ा कर दिया, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था एक्चुअली। इसीलिए यहाँ ये है, जो वहाँ नहीं आ पाए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे एक्चुअली, बिकॉज सबको वहाँ पर ले जाना, इट्स अ वेरी स्मॉल कस्बा जहाँ हमारे जाने की बहुत ख्वाहिश थी। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में सबका एक तो टाइम कंस्ट्रेंट बहुत होता है, सब अपने अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, बट मुंबई के सारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो ताकि हम उन्हें ना अवॉइड करें इसलिए हमने ये रखा है। और वहाँ पे जो एकदम फैमिली थी, उन सब ने जाके बहुत धमाल किया है। आप मुझसे गलत सवाल कर लिया एक्चुअली। मैं आज सुबह अपने घर पे उठ के आई हैव एक्चुअली क्राइड बिकॉज आई मिस द विलेज सो मच। आई वाज लाइक मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं पता। वो उठ के खाला के घर पे छत पे चले गए, हम लोग वहाँ पूरा टाइम पराठे अचार सब खा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। मुझे तो बहुत ऐश करवाई है भाई सबने, एकदम ब्राइड की फीलिंग दी है। हम और अब यहाँ कल से वही सब शुरू हो जाएगा, हम और हमारे गाँव का मजा। अब बीवी वाले काम मुझे शुरू करने पड़ेंगे। सो हाउ स्वीट, थैंक यू। अरे मौसम बड़ा अच्छा था वहाँ पे, गर्मी मुझे, हम लोग यहाँ गर्मी लग रही है, हमें यहाँ वहाँ का मस्त वो गुलाबी ठंड होती है ना, मतलब क्या तो मौसम था, क्या तो माहौल था। बाकी मेरे दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, इतना मजा आया उन लोगों को, हम तो रो ही रहे थे साथ में, सारे 6 के 6 वो रो रहे थे आने से वहाँ पे कि नहीं नहीं जाना। मौसम की बात करो, इतने प्यार से मेरी बात कर लिया करो, आए हाय क्या मौसम था, ऐसे तरह मेरे लिए बोल दिया करो। तुम भूल गई पहले भी, तुम्हें इतनी तारीफ की, तुम्हारी तारीफ की ना। बट या जब आपने वो टॉपिक निकाला ही है, सो आई वुड एक्चुअली स्पेशली लाइक टू थैंक आलिया। आई थिंक शी इज़ डन आर एटलीस्ट माइन, मेरी सारी कॉस्ट्यूम्स उन्होंने की एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, बिकॉज जैसा मैंने अपने आप को इमेजिन किया था कि मैं ऐसी लगूंगी, मैं बिल्कुल वैसी लगी हूँ। इनका मुझे पता नहीं, अब आप लोगों के सामने तो उन्होंने तारीफ कर दी, एक डेढ़ हफ्ते बाद असलियत बाहर निकलेगी। एंड ये जो माशाल्लाह आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो काल की फैशन का कमाल है। तो ठीक है, मेरे साथ मैच करने के लिए 19-20 दे दिया है, बट गर्ल्स रूल ना। Okay, I need a louder. Yes, you all are girls. Yeah. Okay, last show अपना हाथ दे जो आपने दिल का नाम लिखा। दिखाओ, दिखाओ। अच्छे से दिखाओ। दिल पे लिखा है। नहीं, लिखा तो दिल पे है बहुत टाइम से। उस दिन हाथ पे लिखना था क्योंकि मजबूरी हो गई। रसम है बेसिकली मेहंदी की, हाथ पे लिखना था। मतलब ये लिखवाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा इसे जद्दोजहद की कि अच्छा लिखवाना पड़ेगा, अच्छा लिखवाना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक हां लिखवाना पड़ेगा। लिखवा लिया फाइनली। ओके, आई जस्ट प्लीज़ ये रख लेना गाइज, उड़ाना मत, एडिट मत करना। शादी एक कपल की लाइफ का बहुत बहुत अहम हिस्सा होता है एंड स्पेशली पीपल हु गेट कनेक्टेड टू द वेडिंग, मैं उन्हें स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ। टू बिगिन विथ, आर कार्ड वॉज मेड बाय पुनीत एंड आई थिंक उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारा थॉट, हमारे मतलब वो कार्ड मुझे और शोएब और हमारी स्टोरी को एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करता था। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू पुनीत फॉर डूइंग दैट एंड माई मेकअप एंड हेयर टीम, मेघा, मुकेश, सुहास, एवरीबडी, माई फ्रेंड्स आलिया हुज डन आर कॉस्ट्यूम सो वेल, माई एंटायर फ्रेंड्स ज्योत्सना, फलक, आशु, एवरीबडी एंड वन पर्सन जिसने मेरी बहुत डांट खाई है, आई एम सॉरी, और फिर भी सारा बोझ अपने कंधे पे उठाया है।
सो एंड ऑफ कोर्स द एंटायर मीडिया जिस तरह से वो तो नहीं और शोएब के बिना भी वहाँ की शादी नहीं होती. देखो अभी बीवी बन गई, अभी थोड़ा साइड करना पड़ेगा. और एट लास्ट सारी मीडिया और सारे फैंस जिन्होंने हमें इन पूरे हफ्ते पर जो सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. यू एक्चुअली सपोर्टेड अस थ्रू आउट द वेडिंग. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. हम तो मिलने को बेताब है लेकिन आप लोग जाने नहीं दे रहे, एक के बाद एक लोग घेर ही जा रहे हैं. और सबसे अच्छी बात है कि इतने सालों का जो इंतज़ार होता है आज ख़त्म हो गया. मैं आज शोएब और दीपिका की फीलिंग है जो फैज़ा की है, अब तो फैज़ा हो गई है, उसकी फीलिंग हम जानते हैं क्योंकि हम भी ऐसे ही थे. और इनकी अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने अपने गाँव में जाके शादी की, अपने लोगों से जुड़े रहे. और हम भी सेम ऐसे ही थे, हमने गोवा जाके की थी शादी, उधर का कोई भी नहीं था, सब भर भर के आ गए थे ट्रेनों और फ्लाइटों में. और बस बहुत खुशी हो रही है और उससे भी ज़्यादा इस बात की जल्दी है क्योंकि हर्ष ने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तो उसने बोला था मैं जाती पहले खाऊंगा. मैं क्या, अच्छा ठीक है, फिर भी आपने रोक के रखा. बताइए हर्ष, काफ़ी मेडल के साथ आज जंग जीत के और मैं बहुत लोगों को बोल चुका हूँ लेकिन भारतीय शादी करने के बाद मुझे सब मेडल मिले हैं कि इतना बड़ा काम किया है मैंने. इतना बड़ा क्या मतलब, सबको पता है इसका मतलब क्या है भारती? है यही जान सकती है. खैर थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत अच्छा लगता है इन लोग की शादी जाते हो लेकिन खाना खा के जाना, पता नहीं उनकी शादी उनसे पूछ लो. अपना रिसेप्शन याद आया बिना जा रहे बड़ा ये जो सिंदूर है ना फैल के इधर आ गया था, मैं अजीब सी तितली बन गई थी पता है. मैं तो गुस्सा ही हो गया था लोगों से फोटो खिंचवा के. ये बैक स्टेज वाले लिखते हैं, मैं फ्रंट वाली में नमस्ते कर करके मैं तो नकली भी कर लेती हूँ. ये थक गया, ये भाग गया था बीच में से पता है, ऐसे फोटो खिंचा रहे, मैंने देखा था ही नहीं, ये चला गया फिर वापस आया थोड़ी देर बाद. और बस बहुत अच्छा लग रहा है अंदर जाना सर. मेकअप कौन सा मेकअप, भारती तो नेचुरल ब्यूटी है, कोई लिपस्टिक तक नहीं की है, कोई कुछ नहीं, कोई लिपस्टिक लिपस्टिक नहीं लगा है. मैं ये नेचुरल है, पान खाओ और हो जाता है और बस मेरा खुद का है. नहीं मैंने मेकअप करवाया यार, काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मुझे खुद को मेकअप नहीं करना आता. और मीडिया होते हैं फिर तुरंत ही आ जाता ना यूट्यूब पर, छोटा एरो एरो कर रहे होते ऐसे कि ये देखिए भारती की आई लैशेज उतरी हुई, हर्ष का एक उतरा हुआ, तो वो नहीं चाहिए था. लेकिन अब तैयार हो गई, लेकिन इसमें वाकई बड़ा ऐसे रहना पड़ता है बस अंदर. अब हम देखना चाहते हैं रणबीर और दीपिका को, ठीक है? मैं सलमान को, सलमान और डैश जो भी आगे होगा वो, क्योंकि मैंने अब कर लिया, उनको भी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब खत्म ना लड़की सुंदर. जो भी दिल से हमारे दिल से विशेष देना चाहेंगे क्योंकि हम गिफ्ट नहीं लेकर आए, हमको ताकि कोई एक अच्छा सा गिफ्ट, हमको इतना भारी उठा नहीं सकते थे, हमको उनके घर भेजना था. आरती हम उनका गिफ्ट उनके घर भेजेंगे, बता भी दो ना फिर. अच्छा मैरिड लाइफ पे कोई टिप देना चाहेंगे? कोई नहीं यार, मैं डोल शॉट्स ये देखिए. अच्छा वो भी शॉट है, वाओ आरती हमारे लिए. लास्ट क्या होगा, इनका जूड़ा भी टेढ़ा हो गया इनका बनता बताना. लास्ट टिप कोई नहीं, आप जिसको जानते हो अच्छे दोस्त से शादी करो क्योंकि हम तो बीच में भूल भी जाते हैं. मैं जब पहले दिन हर्ष के घर में सुबह उठी, मैंने देखा ये कौन है क्योंकि मम्मी का सा सोने की हाथ थी ना, पर ये था क्यूट सा. पर अपने दोस्त के साथ शादी करो तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि अगर पति पति वाला लड़का हो ना, पानी दे तो लाती हूँ, दे ना ऐसा, पानी दे तू ले लेना, हमारा ऐसा ही वाला है. तो मैंने मीडिया के सामने अच्छी बीवी बनी कि हाँ ताई अंडे उबाल देना, है ना, जबकि ये सुबह खुद ही उबालेगा. यही मेरी ताई है. चलो थैंक यू. थैंक यू. तो सबसे पहले तो गुरमीत और दीदी ना शोएका को क्या विश देना चाहेंगे सबसे? वेल वी आर सो हैप्पी यार कि दो प्यार करने वाले अब उनकी शादी हो गई है और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है. बाय द वे इट वाज रिटन ऑन हर कार्ड दो दिल मिल रहे हैं, मुझे लगा तुम वो गाना गाने जा रहे हो. अच्छा वैसा ओ इसी बात पे हो जाए गाना हो जाए. प्लीज गुरमीत से गाना मत सुनिए. थैंक यू देवीना. मैं बोलने वाला था क्योंकि मैं बहुत वाहियात गाता हूं तो देवीना बहुत बार बार बोलते हो तो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता. देवीना एक हो जाए. नहीं देवीना ताल मैं दूंगा, 1 2 3 4 एक्शन. तुम्हें अंदर जाना है कि नहीं, यहीं पे रहना है? एक हो जाए देवीना, एक बार हो जाए. तुमने मुझे च्युइंग गम खिला दिया ना. अच्छा चलेगा. मैं चबाऊं की गाना गाऊं. मैम आपका ड्रेस काफी हटके और अलग अच्छा लग रहा है, तो कितनी प्रिपरेशन की? हाँ ये एक्चुअली हमें खुद को बाद में मालूम चला, जब यहाँ पे बाहर निकले तो एक्चुअली मालूम चला कि बहुत ज़्यादा मैचिंग करके हम निकले, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था.
और दो दिल मिल रहे हैं कपड़ों के साथ मैचिंग करते हुए. एक्चुअली वॉज वेयरिंग समथिंग एल्स और बाहर निकलने से पहले अचानक ही फेल्ट दैट आई डोंट वांट टू वेयर दिस. बहुत लेट हो रहा था तो ये और एक जैकेट सामने था. मैंने कहा गुरमीत ये पहन लो. सीरियसली पहनूँ नहीं बस पहना कि मैं बाहर लेकर आ गई. अभी खुद देख रहे हैं. अच्छा हम दोनों एकदम एक्चुअली ट्विनिंग हो गए ब्लैक एंड ग्रे. नहीं टीवी तो मैं हमेशा बोलता हूँ अभी एक्चुअली फ़िल्म कर रहा हूँ. पल्टन अभी ख़त्म की है जेपी दत्ता की फ़िल्म की है और बहुत खुश हूँ कि इस मौकाम पे इस जगह पे मुझे इतनी बड़ी फ़िल्म मिली और उनके साथ काम करने को मौका मिला. और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक भी मैं पहुँचा तो उसके पीछे टीवी का बहुत बड़ा हाथ है. और मैं हमेशा तहे दिल से जब भी मैं फ़िल्म साइन करता हूँ तो मैं दिल से मन से थैंक्स कहता हूँ टीवी के अपने फ़ैन्स को जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि टीवी नहीं करना चाहता या टीवी को मैं भूल जाऊँ या यू नो एक्टर्स को भूल जाऊँ जो मेरे दोस्त रहे हैं. हमेशा वो रिस्पेक्ट वो दिल में वो प्यार हमेशा रहेगा. बट ऑफकोर्स अभी डेली सोप नहीं कर सकते बिकॉज उसमें 365 डेज शूट करना होगा और आपको पता होली और दिवाली तो डेली सोप में होता नहीं है. आपको हमेशा काम करना पड़ता है. तो और क्योंकि फिल्म्स कर रहा हूँ तो उसके बीच में वो टाइम निकाल पाना बड़ा मुश्किल है. तो अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज़ आए जो मुझे लगे कि हटके है और अलग है जिसमें 2-3 महीने दे सकते हैं तो व्हाई नॉट. वेल ये एक्चुअली बिलीव ही नहीं कर सकते. अभी आज और कल तो एक्चुअली हम लोग बहुत ही बिल्कुल वहाँ से निकल नहीं पाए हैं और हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग को हमने हमेशा देखा है. उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और अचानक वो हमारे बीच में थी. उनकी हमने फिल्में देखी अभी फिल्में उन्होंने की मॉम की इंग्लिश की और तो यकीन करना मुश्किल है. इट इज़ नॉट दैट शी वाज रिटायर्ड और समथिंग की आँखों के सामने से थोड़े दिन के लिए ओझल हो गए थे. एंड शी वाज देयर शी वाज एक्टिव शी वाज हेल्थी शी वाज vibrant, she was so pretty, she was working, she was successful, she was still giving hit films. So it is unbelievable. Abhi bhi matlab, obviously matlab phone kholo to abhi har ek post mein it is her picture and with each photograph she's coming alive. And har bari aisa lag raha hai jaise first time main sun rahi hu aur wo jhatka pad raha hai. It is unbelievable. It is unbelievable. Bacha liya tumhe. I don't know Deepika. I know Shoaib, and yes, I am so happy for them because Shoaib is a wonderful person, very happy-go-lucky man, and I'm sure वो दीपिका को बहुत खुश रखेगा. They just make a very adoring couple, and I've seen them in Naturally. I've supported them. They were so good. So yes, all my best wishes to them. May God bless them with lots and lots of happiness. मेरे लिए जिस चीज़ से मैं रिलेट कर सकती हूँ वो ये है कि दोनों ना बहुत फिल्मी हैं. सो आई एम ऑल्सो वेरी फिल्मी. जिस तरह से शोएब ऐसे गाने गाता कुछ भी इंस्टा पे वीडियो डाल देता है एंड यू नो दीपिका ऑल्सो सपोर्ट्स हिम. फॉर मी दिस इज़ लाइक वेरी कूल. ये चीज़ें हैं जो यू नो हैपनिंग बनाती हैं लाइफ को. या एंड यू नो आई रियली लाइक इट बिकॉज़ यू नो दैट वॉज just a wonderful gesture that you know they didn't choose fancy things. They just like they went to that village jahan pe unke parents ki shaadi hui thi. maine pucha Shoaib se, maine kaha why that village? he said ki mere ammi aur abba ki shaadi bhi wahi pe hui thi. so that was like amazing, very good. jaise abhi aapke nagin 3 mein hone ki khabar hai, kya kahengi, kitna clarification usko dena chahiye? main chahti hu ki ye abhi tak mere liye bhi thoda sa surprise hi hai. तो जो चीज़ मेरे लिए सरप्राइज है मैं उसके बारे में कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकती. बट आई वुड लव टू टेल यू ऑल दैट प्लीज कीप टॉकिंग मी बिकॉज समथिंग नाइस विल कम अप वेरी सून. आई विश देम अ वंडरफुल लाइफ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस.
I'm this yaar, thank you so much. I think whatever I'm wearing these days na, it looks different because of my haircut. To itna acha lagta hai na mujhe jab bhi main kuch pehenti hu, wo you know, it just looks different. So yes, thanks to my decision of haircut. I think I am wearing a lehenga cum sari dress, and I love this color. Sugandha designed, Sugandha styled it for me. And yes, baalon pe to these are very low maintenance hair. Bas shower se bahar aao and your hair is just ready. Thank you. Thank so you. Much. Thank you. भाई खुशी है, दो दिल मिल रहे हैं, काफी अरसे के बाद मिल रहे हैं, तो अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, इनको मिलना था और ये मिल गया आज. अब यही है कि बेस्ट विशेस हैं इनको कि आगे की जो जिंदगी है बहुत खुशी खुशी निभाएं ये लोग. देखिए मैं इसको जानता हूँ, जब ये ससुराल सिमरका में आई थी छोटी सी लड़की, और मैंने इसके फादर का रोल किया था, तो मैं पहले दिन से उसको जानता हूँ. बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, और बिल्कुल बेटियों जैसा व्यवहार रहा है मेरा उसके साथ. तो मैं आज इसीलिए आया हूँ कि इनको गुड विशेस दे दूँ अपने. ये वक्त है, वक्त के साथ बहुत कुछ होता है, और अलग अलग किस्म के व्यवहार होते हैं. ये पहले राइट है आप, ये बहुत चुप चुप रहती थी, अब दबंग हो गई है. तो जैसे जैसे ज़िंदगी चलती है वैसे वैसे लोग जो हैं बदलते हैं, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए. श्री जी के लिए, उनसे बड़ी स्टार हिंदुस्तान में नहीं आई, बहुत ही मुकम्मल स्टार थी, और बहुत बड़ा लॉस है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को. बहुत बहुत बड़ा टैलेंट था वो, और बहुत सारी लड़कियों के लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल थी वो. मैंने तो उनके साथ काम किया है, तो बहुत बढ़िया इंसान भी थी. बस यही गम है कि बहुत जल्दी चली गई, जाना सबको है लेकिन बहुत जल्दी चली गई. अरे एक नहीं, बहुत सारी हैं. मुझे चालबाज बहुत अच्छी लगती थी उनकी फिल्म, लम्हे बहुत खूबसूरत फिल्म थी, सदमा बहुत खूबसूरत फिल्म थी, एक साउथ इंडियन फिल्म थी मुंद्रम पिर्रई, वो बहुत खूबसूरत थी. ऐसी बहुत सारी फिल्में, मुझे खुदा गवाह में बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट थी. या एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड वर्ड से ज़्यादा आई वुड प्रेफर कि मेरी बहन की शादी और जीजू, एक नया रिश्ता बनाया है, तो बहुत खुश है हम दोनों. मतलब ये बात ही खुशी की है, मतलब वी आर सो एक्साइटेड राइट नाउ. एंड अपने घर में शादी हो तो इंसान कैसा फील करता है, तो हम बिल्कुल वैसा महसूस कर रहे हैं. घर की तैयारियाँ सेम, जो जो ने बोला है कि सिस्टर की शादी है, और वाकई तैयारियां पूरी ऐसी हुई है, बहुत भागदौड़ हुई है, और बहुत मज़ा आया. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि बहन की शादी है तो किस तरह से सारा काम करना है, तो वो सारी चीज़ें रहीं. और हाँ, सारा काम करना, सॉरी, वो सारे काम वो नहीं 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 मैं ज़्यादा काम नहीं, ये हमारी सबसे छोटी बहन है तो चलता है, कोई बात नहीं. छोटी बहनें मस्ती करें वो ही अच्छा रहता है, कम से कम डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड स्ट्रेस से. बहुत मज़ा आया. बट एक्चुअली पहले मैं सोच रही थी कि यार, जैसे मुझे ये लोग तो जानते ही हैं कि यार पता नहीं मैं कैसे रहूँगी, क्या होगा एंड ऑल, बहुत सारे मेरे अंदर सवाल थे. लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मतलब इतना प्यार, मतलब दे वर लाइक सो, बहुत प्यार मिला. मतलब आते वक्त भी पूरा गांव, मतलब हम देख सक रहे थे कि सब छोटे छोटे बच्चे, सब लोग रो रहे थे, बड़े बुजुर्ग, मतलब वो लोग हमें इतना प्यार दे रहे थे. मतलब आई थिंक मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए. सो इट वॉज़ लाइक बहुत, मतलब ऐसा सोचा नहीं था. मतलब मुझे होता ना दिमाग में यू थिंक कि लाइक पता नहीं कैसा होगा गांव में है एंड ऑल दैट, बट बहुत अच्छा था सब. आप दोनों ने क्या गिफ्ट दिया, क्या स्पेशल गिफ्ट था? नहीं, गिफ्ट मुझे तो नहीं बताना मैंने क्या गिफ्ट दिया. हाँ, गिफ्ट कोई बताया था क्या, क्या क्या गिफ्ट दिया है? सारे आम मैं ये नहीं बोल सकती मैंने अपनी बहन को क्या गिफ्ट दिया है. गिफ्ट बताओ, वन मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी, एक कोई ऐसी
बहुत सारी है यार, नहीं मतलब... ये पूरी शादी ही एक मेमोरी है और आई थिंक ये पूरी शादी हम नहीं भूलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं सो ये शादी आई थिंक अब से कोई मुझसे पूछे मेमोरी तो यस थैंक यू फॉर दैट कि मैं भी यही कहूँगी कि ये शादी ही सबसे अच्छी हमारे लिए मेमोरी हो गई जहाँ पे एक नया रिश्ता मुझे मिला है वो है जीजू जीजू साली यस थैंक यू शरद क्या कहना चाहेंगे दोनों की जो है रिसेप्शन है आज उनकी शादी गांव में हुई लेकिन रिसेप्शन यहां पे सेलिब्रेट करें क्या कहना चाहेंगे फाइनली फंसी गया लगा मतलब हमारी श्रेणी में आ गए अब कुछ नहीं हो सकता आगे लाइफ में क्या टिप देना चाहेंगे आज के खास बस बीवी की सुनो यार और क्या है सिंपल लाइफ में एक ही सिद्धांत होना चाहिए हर एक पति का मैं भी सुनता हूँ और मैं यही सलाह दूंगा शरद को कि प्लीज़ सुना करो बीवी क्योंकि बीवी हमेशा राइट होती है और राइट की हमेशा सुनना चाहिए इसलिए सुनो बीवी की हाँ अपनी राइट में बीवी राइट और राइट में होनी चाहिए लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए ये बात ध्यान रखें सर यार वही आज बड़ा वैसा है कि हम दोनों तरफ से हैं तो आज हमने फैसला किया कि हम खुद ही अपने आप को वेलकम करेंगे खुद ही खातिरदारी करेंगे खुद की बिकॉज दोनों तरफ से हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम यार मतलब फाइनली द डे हैज कम जब वो एक हुए हैं और बहुत खुशी है यार मतलब बिकॉज वी आर मैरिड फॉर लास्ट 13 ईयर्स तो जब भी ऐसे की शादियाँ होती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार दो प्यार करने वाले एक हो गए आज वेरी हैप्पी फॉर देम यार वी हैज ग्रोन अप वॉचिंग हर फिल्म्स एंड ये हम कह सकते हैं कि हमने आज जितनी बार उनके वीडियोस देख रहे हैं मतलब आई डोंट थिंक किसी भी सेलिब्रिटी के जाने का इतना दुख हुआ है इट्स सो सडन इट इज सो शॉकिंग कि ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनल लॉस हुआ है सो इट्स अ बिग बिग लॉस एंड आई जस्ट मेट हर 2 मंथ्स बैक तो मुझे मतलब इफ यू आर देयर तो वो एक सडनली कई बार दिन में वो मोमेंट्स आता है जब हम साथ में खड़े थे मैंने हाय मैम कहा उनसे बात की तो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और नोबडी इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा आई डोंट नो मतलब एंड वो हमारी एक फ्रेंड है उसी की बिल्डिंग में रहती थी तो अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी और अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी इट्स सच अ वॉइड एंड इट्स रियली जस्ट टू अनफॉर्चुनेट एंड नो वर्ड्स फिलहाल तो अभी आज के जो आपने सवाल पूछा है उसके बाद कुछ ध्यान में नहीं आएगा सो ये क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूँगा थैंक यू थैंक यू थी बट इन लोगों ने बहुत धमाल किया है एंड मैंने इंस्टा देखा और फ़ोन पे भी बात हुई थी फलक से सो बहुत खुश हूँ मैं आज रिसेप्शन अटेंड करने आई हूँ एंड ऐसा हो नहीं सकता था मैंने कुछ ही टाइम तक सिमर ससुराल सिमर का किया था एंड बहुत खुशी हो रही है किसी का प्यार अंजाम तक फाइनली किसी का तो पहुँचा ओके ऐसी कुछ मेमोरीज जो अभी याद रहे जब मैंने दीपिका की मेमोरीज़ मैंने दीपिका को बहुत चुप देखा है सेट पर और मैं को याद है जब पहली बार शोएब के बारे में बात हुई थी तो मैं उसके मेकअप रूम में थी तब उसने मुझे शोएब के बारे में बताया था और मैंने उसे हमेशा चुप ही देखा है पर आज जिस तरह से वो चहक रही है आई मीन आई हैव गूज बम्स वाइल सेइंग दिस बिकॉज मैंने उसे हमेशा चुप चुप देखा है और आज उसकी जो खुशी है I just wish ये हमेशा रहे दैट्स इट ओके इफ यू टॉक अबाउट द अटायर यू आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट सो टेल अस अबाउट इट ओके फाइन आई हैव बॉट दिस साड़ी फ्रॉम चेन्नई और इस साड़ी को मैंने लहंगे में बनाया है और जो कुछ थोड़ा बहुत कर पाई दिस ज्वेलरी इज़ फ्रॉम अमृतसर आई बॉट इट सो ये किराए के कपड़े नहीं हैं ये मेरे खुद के कपड़े हैं सो ओके थैंक यू सो मच बाय I think they're a beautiful couple and I've been seeing I know Deepika of course I don't know Shoaib but I've been seeing all their videos on Instagram and I think it's like God bless them they're so beautiful they look like they're really madly in love with each other and they look like they're made for each other so just I just pray to God that God bless them yeah anyone who marry you want to share with Deepika sorry Oh, memory. Recently we were shooting for our upcoming film, Paltan, J.P. Datta sir's film.
And I remember that the first time I met Deepika, I met her there. And the first time we met, she said that she was shooting till the 10th, and she's like, I'm going back and I'm getting married on the 18th or something. And we were all shocked. We're like, how are you here shooting? Wouldn't you have to like do any preparations and all that? So I think that's what broke the ice, and it was amazing. She's just the most positive girl, a really nice girl, and I think that she's found a perfect match in Shoaib. Fantastic experience. I've been a huge JP Datta sir's fan always, because you know we've grown up watching his films like Border and LOC and all of them, and it's very special to me because I particularly feel very very much for the soldiers who are on the borders, and they are protecting us, and we don't really value it. I mean, I'm sure we do, but we don't really think about it so much, how many hardships they go through and what all they sacrifice. So the moment I heard that there's a film like that, I just had to be a part of it. I think for me it has been the biggest shock, and I think sirf mere liye nahi, jaisa I think puri industry ke liye isse zyada shocking किसी की भी डिमाइज अभी तक नहीं हुई है. आई वॉज नॉट इन टाउन, और मुझे रात को जब ये हुआ तब मुझे इसकी खबर आई, एंड ऑब्वियसली आई रिफ्यूज टू बिलीव इट लाइक एनी वन एल्स. आई थिंक सभी का फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ये या तो कोई होक्स है या ये कोई रूमर है और ट्रू नहीं है. बट आई मीन लाइक रियली आई स्टिल डोंट हैव वर्ड्स, बिकॉज इट वॉज जस्ट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डिमाइज ऑफ एनी वन इन दिस इंडस्ट्री, एटलीस्ट इन माई generation in my time. It's really sad, and I mean we all know that Shridevi ma'am has been an era in herself. She is somebody that many of us actresses have grown up watching, and we came into the industry because you know we saw Shridevi, and she gave us all hopes. There was nothing that she couldn't do. She was the most versatile actress ever. I know I'm saying everything jo hum sabhi jante hain, but I think it's just the biggest loss for the film industry. Thank you so much. Thank you. Haan Rohit, kya kehna chahenge aaj jo hai Deepika aur Shoaib shaadi ke bandhan mein bandhne wale hain, kya kehenge is bare mein? Band gaye, band chuke hain, band gaye, kya kehenge ab, bhaag nahi sakte wo. Hum ye kehna chahte hain ki ab bhaagna bhi hai to it's too late. But we just want to wish them congratulations and all the happiness. Congratulate them and wish them a very very happy married life. आपकी तरफ से क्या विश होने वाली है उनके लिए, और किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप दोनों उनके साथ? क्या विश होने वाली है? अभी तो विश दिया, तो बता दिया. हम दीपिका और शोएब को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग हमसे यही पूछ रहे हैं क्या विश करेंगे. लॉजिकली तो हम कुछ डिफरेंट करेंगे, कंग्रेचुलेशन भी विश करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इतना फोर्स कर रहे हैं मैं सोची कुछ अलग जवाब दूं. स्टॉप नॉनसेंस, कम ऑन. सो हैप्पी बर्थडे दीपिका एंड शोएब, हैप्पी बर्थडे. सनाया हमेशा चमकती है, नहीं वैसे भी हमेशा चमकती है, और आज कुछ बहुत ही अच्छी, हमेशा एक्चुअली बहुत ही अच्छी लगती है यार. She always looks beautiful. Yeah. And he always looks handsome. Thank you. Do you like his looking good, no? Thank you. It was a great Nach Bali. All our contestants were, I'm sure everybody was. Actually, when I think of Deepika Shoaib, I only think of late night rehearsals. Yeah, हमारा कोई साथ नहीं देता था, we would look at each other and we'd be like, रात काली, क्योंकि सिर्फ हम रात काली करते थे, हम दोनों और दीपिका शोएब. But they were honestly along, I will say along with us, or maybe even more than us, the most hard, by far the most hard working couple on Nach Baliye. Yeah, definitely. And I think they're just such simple people. The simplicity that they have, both of them, it's so attractive, heartwarming. Actually, yeah, it's very attractive. They're really, really nice people, and we're just glad that we got to be part of a show with them. Okay, Deepika ki name change ke bare mein kya kuch kehna chahiye? It's a beautiful name, Faiza. I think it's a great name. Faiza. So, good job, good choice. Thank you so much. Okay. Thank you. भाई ये मतलब इतना पावन मौका है, इतना बढ़िया मौका है, एक बकरा हलाल हो गया है और एक और हमारे साथ हमारी श्रेणी में आ गया है, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है. तो वहाँ जाकर गले लग कर के हैं, उसको मुबारकबाद दी जाएगी,
और अच्छा है, भाई है अपना, नजबलिए के दौर मर जो हैं दिल की बातें कुछ की थी वो बताने लायक तो है नहीं, लेकिन उसे समझा दिया था शादी के बाद क्या क्या करना क्या क्या नहीं करना। बहुत सारी थी यार, मतलब डांस रिहर्सल के टाइम पर जो है हम मुलाकात करते थे, बिल्कुल मतलब ऐसा मरोड़ दिया जाता था रिहर्सल कर कर, शोएब भाई और मैं बाहर बैठ कर के सिर्फ बातें करते थे कि कब ख़त्म होगा। तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, क्या कहें, उस समय कंपटीशन इतना ज़्यादा होता था कि ध्यान सिर्फ डांस पे होता था। आई थिंक शोएब वाज द मोस्ट स्वीटेस्ट बॉय, ही इज वेरी स्वीट यार, लाइक अ चॉकलेट, ही हैज नो एटीट्यूड एंड नो सच थिंग। जी जी, वहाँ बैठ कर के हम लोग यही कहते थे कि ये लोग जो हैं टाउनीज हैं, हाँ मतलब होता है ना कि ये इस इलाके को बिलोंग करते हैं, ये इस इलाके को, ये इतने इतने टाउनीज हैं कि सिर्फ चुप रहते हैं, हाँ एटीट्यूड में एकदम चुप रहते हैं। वो बहुत स्वीट है यार। ना चेंजेस तो आएंगे नहीं, शादी के बाद में ही औरतों का बोलना शुरू होता है और मर्दों का चुप। नहीं मतलब मैं उनको बड़ा पता है औरतों के बारे में। नहीं मेरी तो बोलती बंद हो गई ना शादी के बाद, ये तो सिर्फ मीडिया के सामने बोलता हूँ। या बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को, दीपिका और शोएब, ये बहुत खूबसूरत मोमेंट है इनके लिए और ये सफ़र जो है यहाँ से जो अब चलेगा तो दिन दोगुनी और रात चौगुनी जो है वो तरक्की ही करेगा, और दो हैं और जल्दी ही उनको आशीर्वाद दिया जाएगा कि दो से वो चार हो जाएं। जो प्रीतम आपसे जानना चाहेंगे, अरे यार इतना डिसहार्टनिंग है, आप शो चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये बात मतलब अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती कि एक महानायिका का निधन इस तरह हो गया, तो ये इंडस्ट्री के लिए, उनके फैंस के लिए, तमाम लोगों के लिए, परिवार के लिए बहुत लॉस की बात है और हमारी क्या कह सकते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप भावनाओं को समझ सकते हैं कि इट्स पूरे नेशन के लिए शॉक की न्यूज़ है, तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है। सारी फेवरेट्स मतलब कौन सी, यू नेम इट, नो आप अच्छा अपना चालबाज देख लें, मिस्टर इंडिया देख लें, नागिन देख लें, न जाने अनगिनत, खुदा गवाह लम्हे, हर एक फिल्म जो थी वो अपने आप में एक माइलस्टोन थी। आप इतिहास उठा करके देखें उनकी फिल्मों का तो आपको लगेगा कितना कुछ सीखने के लिए अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, तो आप उनको पढ़ लें, उनका अध्ययन कर लें तो शायद आधे एक्टर आप वैसे ही हो जाएंगे, अदरवाइज फिर तो क्या मतलब। क्या मैसेज शोएका, शोएका वाह शोएका, शोएका क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? आई थिंक दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर यार, दे no words for them, they're the sweetest couple we've ever seen. All the very best, mubarak ho aapko shaadi, aur andar jaake ek tight hug karenge unko, bas mera bachcha ro raha hai, kaisa bachcha, bacche leke aaye kya? thank you so much Mubin, sabse pehle kya kehna chahenge shoeb aur deepika, shaadi ke bandhan mein ban chuke hain, kya wishes dena chahenge? Dil se duaen hai ki hamesha khush rahe aur bahut acche log hain, दिल के अच्छे हैं, तो मैं यही दुआ करूंगा कि एक नया पड़ाव ज़िंदगी का आ रहा है तो इस पड़ाव को भी बखूबी हंसते हंसते पार करें और खुश रहें, हमेशा 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 खुश रहें। कैसी बॉन्डिंग शेयर करते आए हैं आज दीपिका के साथ? मतलब अभी जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट की बात कर रहे थे तो बहुत मज़ा आया काम करके, उससे पहले दीपिका को एज सेलिब्रिटी जानता था मैं, लेकिन जब साथ में काम किया तो वाकई वो बहुत अच्छी इंसान है, एक बहुत अच्छा रिश्ता बन गया हम लोगों का, और आगे की ज़िंदगी जो है उनकी बहुत अच्छी रहे, यही दुआ है दिल से। अच्छा, नाम भी चेंज हो चुका है, फैज़ा हो गया है तो जी, बड़ा अच्छा नाम है माशाल्लाह, फैज़ा बहुत अच्छा नाम है, तो आगे की ज़िंदगी भी चेंज होगी, अब एक शादीशुदा ज़िंदगी एक नए पड़ाव के साथ बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप भी हंसाते हैं, बॉलीवुड के एक बेहतरीन अदाकारा अर्शद भी अब हमारे साथ नहीं है, जी क्या कहना चाहेंगे, उनकी जो चुलबुलेपन थी, उनकी जो अदाएं थी, वो कितना मिस करने वाले हैं? नहीं बिल्कुल, हर कोई मिस करेगा, उन्होंने एक अलग ही मकाम बनाया है बॉलीवुड में अपना, और लोगों ने बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो हमेशा लोगों के दिल में रहेंगी, वो हमेशा रहेंगी। अच्छा, उनकी कोई फेवरेट मूवी या सॉन्ग जो आप अभी शेयर करना चाहते हैं? मुझे चांदनी फिल्म उनकी बहुत ज़्यादा पसंद है। लास्टली शोएका को क्या विश? बस खुश रहो हमेशा, एक दूसरे को खुश करते रहो, एक दूसरे को समझो, प्यार से रहो, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।